हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं जीके का चैप्टर नंबर 20, सेकेंड स्टैंडर्ड। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 20, क्लासिफिकेशन, यानी सब कौन सी चीज़ कहाँ कैसे यूज़ होती है उसके बारे में ये चैप्टर आपको बता रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग बाय द पुटिंग देम इन द राइट कॉलम, यानी आपको इसमें पूरा कॉलम्स बनाया हुआ है जिसमें आपको यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये आपको आंसर करेक्टली कौन से पैराग्राफ में कौन सा आंसर आएगा, कौन से कॉलम में कौन सा आंसर जाएगा, वो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पैराग्राफ क्या दिया है, फ्लावर, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कर्ल्स, यानि फूल, भाजी, फल और अनाज। तो सैडलेस यानी अनाज। तो यहाँ पर पहले फूल में, अब देखो यहाँ पे पूरे कॉलम्स में हमारे पास आंसर्स अवेलेबल है, जैसे वीट, ब्रिंजल, रेडिश, मैंगो, रोज, राइस। तो हमें अब इन सब में से फाइंड आउट करना है कि कौन से कॉलम में कौन कौन सा आंसर जाएगा। जैसे फ्लावर हो गया, अब फ्लावर में ये क्या पहला है, वीट, वीट यानी गेहूँ। तो गेहूँ किस में जाएगा, सैडलेस में यानी अनाज वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर वीट आ गया। सेकेंड क्या है, ब्रिंजल, तो ब्रिंजल किस में जाएगा, ब्रिंजल मतलब बैंगन, तो वो क्या है, वेजिटेबल है, तो यहाँ पर आएगा वेजिटेबल में ब्रिंजल। अब ये क्या है, रेडिश, रेडिश भी यानी गाजर, ये क्या है, वेजिटेबल, तो ये भी वेजिटेबल में जाएगा। वैसे ही मैंगो है फ्रूट यानी आम, तो ये आएगा हमारा फ्रूट सेक्शन में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे मैंगो। ये है रोज़, अब रोज़ किस में जाता है, फ्लावर में यानी गुलाब, तो ये आएगा फ्लावर में। राइस, राइस क्या है, अनाज है, तो ये जाएगा सेलेस में, तो यहाँ पर आएगा राइस। अब ये क्या है, टमाटो, टमाटो क्या है, वेजिटेबल, तो ये आएगा वेजिटेबल में, यहाँ पर हमने लिखा है टमाटो। ये है लोटस, लोटस भी फूल है, लोटस यानी कमल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है लोटस। ये है मिल्ट, मिल्ट यानी बाजरा, तो ये बाजरा किस में जाएगा, अपने सैलेस में, तो यहाँ पर आएगा मिल्ट। ये है एप्पल, एप्पल आएगा हमारा फ्रूट में। ये है लिली, लिली यानी फूल, ये आएगा फ्लावर्स में। ये है माजी यानी मक्का, तो ये आएगा हमारा सैलेस सेक्शन में। ये है ग्रीन पीस यानी हरा वटाना, तो ये आएगा हमारा वेजिटेबल में। ये है गावा यानी पेरू, तो ये आएगा हमारा फ्रूट सेक्शन में। ये है जैस्मिन, ये जाएगा हमारा फ्लावर सेक्शन में, तो ये यहाँ पर आएगा जास्मिन। ये है प्रोमोगेनेट, प्रोमोगेनेट यानी अनार, तो ये आएगा हमारा फ्रूट सेक्शन में, तो ये यहाँ पर आएगा फ्रूट सेक्शन में। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये सेक्शंस कंप्लीट करने हैं। सेम ऐसा ही सेक्शन यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर क्या है, सेकंड में पुट द फॉलोइंग द राइट कॉलम शो विच इज पीपल जनरली यूज देम, यानी जनरली यूज देम यानी हम कौन सा सामान किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है फार्मर, कारपेंटर, टेलर एंड डॉक्टर। अब फार्मर, कारपेंटर, टेलर और डॉक्टर क्या क्या सामान का यूज़ करते हैं, तो वो आएगा इसमें। अब यहाँ पर पहला क्या है, स्व यानी आरी, स्व को बोलते हैं आरी, तो आरी किस में जाएगा, कारपेंटर में, क्योंकि आरी का ज़रूरत एक कारपेंटर को लगता है किसी भी लकड़ी को एक प्रॉपर फिनिशिंग या बराबर से काटने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है स्विंग मशीन। अब स्विंग मशीन का यूज़ कौन करेगा, टेलर करेगा। स्विंग मशीन का यूज़ कारपेंटर, फार्मर या डॉक्टर तो करेंगे नहीं कपड़ा सिलने के लिए, तो ये है स्विंग मशीन यानी टेलर। ये है प्लग यानी हल। अब हल का यूज़ कौन करता है, फार्मर, तो यहाँ पर आएगा प्लग यानी फार्मर में आएगा प्लग। ओके, यह है स्टेटोस्कोप। अब स्टेटोस्कोप का यूज़ कौन करता है, क्या फार्मर करेंगे, क्या कारपेंटर करेंगे, या टेलर या डॉक्टर। ऑब्वियस है डॉक्टर करेंगे। स्टेटोस्कोप का यूज़ डॉक्टर कब करते हैं, ब्लड टेस्टिंग के लिए, यानी जो ब्लड सैंपल्स हमारे लिए जाते हैं वो स्टेटोस्कोप के द्वारा देखकर उसे उसे फाइंड आउट करते हैं। हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, हथौड़े का यूज़ कौन करता है, कारपेंटर, तो ये आएगा कारपेंटर में। ये क्या है, स्टिकल यानि हाँसी, हसिया, जिसका यूज़ कारपेंटर ही करते हैं या फिर फार्मर भी करते हैं। सिक्का यानि हसिया,
हसिया नहीं, जो फार्मर्स सॉरी इसका कारपेंटर नहीं, हसिया का यूज़ फार्मर करते हैं। हसिया यानी कोयता, धान वगैरह काटने के लिए, ठीक है। यह है सेजर, इसका यूज़ कौन करता है? टेलर यानी कैंची का यूज़, कैंची का यूज़ टेलर कपड़ा काटने के लिए करता है। यह है श्रेइंग यानी इसका यूज़ कौन करता है? श्रेइंग का यूज़ करते हैं डॉक्टर। ये होता है इंजेक्शन, इंजेक्शन को हम साइरिंग्स भी बोलते हैं। अब यह है ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का यूज़ कौन करेगा? फार्मर। यह है प्लांट्स, प्लांट्स का यूज़ कौन करेगा? कारपेंटर। यह है थेरेस्कोप मीटर, इसका यूज़ कौन करेगा? डॉक्टर। थर्मामीटर, थर्मामीटर यानी बुखार टेम्परेचर चेक करने के लिए। यह है थिम्बल, इसका यूज़ कौन करता है? अब यहाँ पर है टेलर, ये इसका मतलब होता है जो थिम्बल यानी जो अपने टेलर्स होते हैं ना, उन्हें छोटे छोटे धागे जब फंस जाते हैं कहीं, या फिर जब उन्हें धागों का सिलाई निकालना होता है तो वो अपने नेल्स में लगाते हैं, जिससे कि वो लोखंड का होता है, जिससे कि वो धागे को अच्छे से निकाल सके। तो ये हो गया थिम्बल, तो ये टेलर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, अब ये क्या है, ये भी सेम है। क्लासीफाई द फॉलोइंग बाय द पुटिंग देम द इन द राइट कॉलम। अब यहाँ पर है क्रॉकरी, कल्टर एंड यूटिलिटीज, यानी ये सब मोस्टली फॉरेन्स में ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्रॉकरी में क्या आएगा? कप, स्पून, फॉक एंड प्लेट्स। क्रॉकरी का मतलब होता है जो कि नॉर्मल हम डिनर सेट में यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर कप, स्पून, फॉक एंड प्लेट्स आएंगे जो कि हम डिनर सेट के लिए यूज़ करते हैं। और कटलेट यानी जो जैसे सूप पीना हो गया या फिर नूडल्स खाने के लिए फोक का यूज़ करते हैं, यानी खाना खाने के लिए जो चॉपस्टिक का यूज़ करते हैं उसे उसे बोलते हैं कटलरी। तो यहाँ पर आएगा फॉक, यहाँ पर आएगा लेडल, सॉसर यानी जो सूप पीने के लिए हम सूप वाले जो स्पून्स होते हैं उन्हें बोलते हैं। यह आएगा सीजर यानी जो नाइफ होता है, जिससे हम नॉर्मली ये कब यूज़ करते हैं, जब आपने देखा होगा ब्रेड या फिर एग्स काटने के लिए जो डिशेस के साथ फॉक या स्पून के साथ हमें एक सीजर टाइप का चमचा देते हैं, उसे एक सीजर टाइप मतलब चक्कू जैसा छोटा सा चमचा देते हैं ताकि इससे काट कर वो खाया जा सके। ये सब बड़े बड़े होटल्स या बड़े लोगों का ही होता है। ये होता है यूटेंसिल यानी जिसमें खाना बनता है। अब ये हो गया किनफी यानी खाना काटने के लिए, मेटल जार, पैंस एंड डिशेस ये होते हैं। ये हो गया हमारा क्रॉकरी का सेक्शन। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। गिव द बिलो आर द व्हीकल्स विच यूज मूव देयर इन अ लैंड इन अ वाटर एयर, पुट देम देयर प्रॉपर कॉलम। अब यहाँ पर हमें प्रॉपर कॉलम में देना है। अब ये लैंड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल और सिंपल है। अब बोट का यूज़ कहाँ होगा? लैंड वे में होगा, एयर वे में होगा? नहीं ना, वाटर वे में होगा। तो बोट हम आएगा वाटर वे में। एयर बस ये कहाँ पर यूज़ होगा? एयर में। ट्रेन लैंड में आता है यानी ज़मीन पर चलता है। एरोप्लेन एयर वे में, तो एरोप्लेन एयर वे में आएगा। सबमरीन ये कहाँ पर होता है? हमारे वाटर वे में, यानी जो बोट्स होते हैं ना उन्हें सबमरीन भी बोलते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हो जो अंडर वाटर बोट्स चलने वाले होते हैं उन्हें सबमरीन कहते हैं। बुल कार्ट यानी बैलगाड़ी, ये आएगा हमारा लैंड में। शिप वाटरवे में। फिर ग्लिटर ये आएगा हमारा एयरवे में, यानी जो छोटे छोटे चॉपर्स होते हैं उन्हें भी ग्लिटर कहते हैं। बाईसाइकिल लैंडवे, ये हो गया। स्टेमर ये आएगा हमारा वाटरवे में। हेलीकॉप्टर एयरवे में। ये हो गया हमारा लैंडवे, वाटरवे एंड एयरवे। अब आते हैं हम इसकी तरफ। पुट द फॉलोइंग इन द राइट कॉलम। अब ये हो गया रिवर्स, माउंटेन्स एंड सिटीज़। अब यहाँ पे रिवर, माउंटेन एंड सिटीज़ में आपको इन कॉलम में से यहाँ पे फिल करना है। तो पहला क्या है? हिमालय। अब हिमालय कहाँ आएगा? माउंटेन में, तो यहाँ पर आएगा माउंटेन में हिमालय। ये क्या है? बेंगलोर। ये क्या है? बेंगलुरु। तो ये कहाँ आएगा? ये एक सिटी है बेंगलुरु, तो ये हम लिखेंगे सिटी में। ये क्या है? कावेरी। ये कावेरी फेमस नदी है,
तो ये आएगा रिवर में। ये क्या है? चंडीगढ़ यानी सिटी है, तो ये हम चंडीगढ़ लिखेंगे सिटी में। नीलगिरी, नीलगिरी क्या है? नीलगिरी पर्वत है, तो ये बहुत बड़ा माउंटेन है, तो ये जाएगा माउंटेन में। ये है सतलुजी, ये भी आएगा हमारा माउंटेन में, ठीक है। सतलुजी पर्वत आपको पता होगा। ये है सह्याद्री, सह्याद्री कहाँ पर आएगा? रिवर में। सह्याद्री नदी आप सबको पता होगा। ये है गंगा, गंगा भी आएगा हमारा रिवर में। ये है श्रीनगर, ये आएगा हमारा सिटी में। सतपुरा, सतपुरा पर्वत है, तो ये भी हमारा आएगा माउंटेन में। ये है नागपुर, नागपुर क्या है? सिटी है, तो नागपुर जाएगा सिटी में। ये है कृष्णा, तो कृष्णा आएगा हमारा रिवर में, क्योंकि कृष्णा नदी है ना, तो इसे हमें लिखना है रिवर में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है आपको, इस कॉलम में से जो जो मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से इसका आंसर फिल करना है। अब ये है पुट द फॉलोइंग द राइट कॉलम टू द शो वेयर यू यूजफुल द फाइंड, ओके। अब ये है म्यूजियम, लाइब्रेरी एंड जू। ये हो गया म्यूजियम, लाइब्रेरी एंड जू। अब म्यूजियम का मतलब है जहाँ पर बहुत ही आदिकाल की वस्तु, यानी जो बहुत ही पुराने हिस्टोरिकल चीज़ें होती है वो हम म्यूजियम में रखते हैं। लाइब्रेरी यानी लाइब्रेरी में बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, यानी जितने भी जैसे पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो मैगज़ीन में जाती है। और ज़ू, ज़ू में यानी हम जो पशु प्राणी इन सब चीज़ों को रखते हैं उसे ज़ू कहते हैं। तो अब आ गया म्यूज़ियम में। ये क्या है? टाइगर, टाइगर हमें कहाँ देखने मिलेगा? क्या म्यूज़ियम में मिलेगा? नो, लाइब्रेरी नो, सो ज़ू, ज़ू में हमें टाइगर देखने को मिलेगा। ये है स्टैचू, स्टैचूज हमें कहाँ देखने मिलेंगे? म्यूज़ियम में, क्योंकि म्यूज़ियम में ही पुरानी पुरानी चीज़ें स्टैचूज रखी जाती हैं, तो वो आएगा म्यूज़ियम में। बुक्स, लाइब्रेरी, बियर, ज़ू। ओल्ड आर्म्स यानी जो पुरानी वस्तु है वो आएगा म्यूज़ियम में। मैगज़ीन कहाँ जाएगा? लाइब्रेरी में। और स्टैच ये कहाँ जाएगा? ये एक जानवर होता है, बहुत ही एक फॉरेन कंट्रीज़ में जो ऊँट की तरह लंबा प्राणी होता है जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच, ये आएगा ज़ू में। न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी में। अब ये क्या है? स्टफ़ड एनिमल्स, यानी स्टफ़ड एनिमल्स आप कैसे कह सकते हो? स्टफ़ड एनिमल्स यानी जो प्राणियों को देखकर उनके टेडी बियर टाइप या फिर मार्बल पत्थरों से बने हुए एनिमल्स के जो ढांचे होते हैं, या फिर जो बड़े बड़े एनिमल्स जैसे जिराफ, कंगारू, इन सब के कुछ ऐसे स्केल्टन ढांचे होते हैं ना, वो हम म्यूज़ियम में रखते हैं देखने के लिए, तो वो आएगा स्टफ़्ड एनिमल, उन्हें कहा जाता है, जो मतलब होते तो जानवर ही है लेकिन उनमें जान नहीं होता है, उनके केवल पार्ट्स ऑफ बॉडी को म्यूज़ियम में रखा जाता है, तो वो आएगा स्टफ़्ड एनिमल्स। तो आप, आई होप आपको ये चैप्टर पूरा अच्छा से समझ में आ गया हो कि कौन से कॉलम में क्या क्या हमें फ़ील करना है। तो सो लाइक, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आगे की और अच्छे अच्छे लर्निंग वीडियो के लिए। बाय बाय।